करेंगे इंदौर की तरफ। तो इंदौर से हमारे संवाददाता हेमंत नागले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, आज क्या क्या खबरें दिन भर सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं? जी, सबसे जो बड़ी खबर है वह तो इंदौर के मौसम की है, क्योंकि देर रात जहां तेज आंधी के बाद इंदौर के कई इलाकों के बिजलियां गुल हो गई। कई इलाकों में इस तेज बारिश के बाद जो पेड़ जमीन पर गिर गए थे उसको नगर निगम और बिजली विभाग द्वारा लगातार देर रात से ही सुधारने का काम किया जा रहा है और नगर निगम द्वारा पेड़ हटाने का काम किया जा रहा है। बात की जाए अगर इस तेज आंधी की, तो लगभग 54 किलोमीटर की रफ्तार से यह तेज आंधी आई थी। वहीं इंदौर के समीप उज्जैन में भी महाकाल लोक, जिसका लोकार्पण कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था, वहां पर 70 ऋषि की 6 मूर्तियां जो थी वह क्षतिग्रस्त हुई थी, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई थी। तो पूरे प्रदेश में जहां यह चक्रवात तेज आंधी तूफान के बाद तेज बारिश का दौर चल रहा है, वहीं गर्मी के चलते रोहिणी का भी समय चल रहा है, जो नौतपा जिसे कहा जाता है, लेकिन यह रोहिणी अब कहा जाता है कि खंडित हो चुकी है, जिसके कारण से आने वाले समय में शायद तक मानसून जो हो वह देरी से आए, फिर मानसून में कुछ देरी हो सकती है। वहीं बात की जाए अगर इंदौर में अपराध जगत की, तो इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक चोर गिरोह पकड़ाया था, जहां पर उनसे 1.5 करोड़ रुपए की 12 गाड़ियां बरामद हुई है। चोर गिरोह जो था वह पहले इन गाड़ियों को सेल्फ ड्राइव करके किराए पर लेता था और उसे लेकर फरार हो जाता था, फर्जी एग्रीमेंट और फर्जी रजिस्ट्रेशन बना के इन्हें प्रदेश के दूसरे जिलों में बेच देता था। सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर पुलिस का इतना डर था आरोपियों में कि वह भोपाल को पुलिस कंट्रोल रूम को आरोपी ने कॉल किया कि इंदौर पुलिस जिस गाड़ी को ढूंढ रही है वह भोपाल के स्थान पर खड़ी और उसे छोड़कर भाग गया। तो लगातार इंदौर पुलिस विजयनगर जो है यह कार्रवाई कर रही है। पहले 3 आरोपी पकड़ाए थे, 2 आरोपी कुल 5 आरोपी पकड़ा चुके हैं। तो अपराध जगत में यह सबसे बड़ी खबर है। अब बात की जाए अगर कोविड की, तो कोविड का जो पॉजिटिव का रेट है वह घट चुका है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन बिल्कुल अब रिलैक्स है, क्योंकि जिस तरह से कोविड के मरीज लगातार बढ़े थे, लेकिन अब मरीज कम हो चुके हैं। वहीं इंदौर में गौरव दिवस का चलते जिला प्रशासन लगभग इंदौर के 28 से 29 जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, जिसे जिला प्रशासन अधिकारी, इंदौर कलेक्टर और कई अधिकारी यहां पर इसे देख रहे हैं। लगभग 1000 यूनिट ब्लड डोनेशन का यह लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि इंदौर जिस तरह से स्वच्छता में नंबर वन है, इसी तरह से हर चीज में नंबर वन आना चाहता है। इस कारण से वह ब्लड डोनेशन कैंप लगा रखा है उन्होंने, और देर शाम तक यह ब्लड डोनेशन कैंप चलेगा, जिसमें बढ़ चढ़कर इंदौर के रहवासी पूरा अपना हिस्सा ले रहे हैं। जी जी हेमंत, राजनीति गलियारे में क्या हलचल मची हुई है? जी, बात की जाए इंदौर की अगर राजनीति की, तो राजनीति अभी पूरी तरह से ठंडी बैठी हुई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार भाजपा और कांग्रेस तो इस पर कटाक्ष कर रहे थे, चुनावी साल है, चुनावी माहौल है, जहां पर लगातार प्रदेश के मुखिया दिल्ली दौरा था, दिल्ली दौरे के बाद वह वापस भोपाल आ गए थे, लेकिन उसके चलते कई अटकलें लगाई जा रही थी, कई मैसेज भी वायरल हुए थे कि शायद तक जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका नाम चेंज होगा, लेकिन वह खबर पूरी तरह से फेक निकली। तो लगातार जो राजनीति उठापटक है उसमें भाजपा के कई पदाधिकारी के बदलाव की बात की जा रही है, वहीं भाजपा कई बड़े बैठकें कर रही है, लेकिन अभी तक भाजपा ने कोई इस प्रकार से सूची जारी नहीं है कि भाजपा में किस तरह से बदलाव होगा। लगातार नरेंद्र सिंह तोमर का कभी नाम आता है, कभी वीडी शर्मा जी को हटाने की बात की है, तो यह सिर्फ वायरल मैसेज है। तो भाजपा में उठापटक तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहा था कि अब कांग्रेस से ज्यादा भाजपा में उठापटक है। आने वाले चुनावी साल में देखना होगा कि भाजपा में कितने बड़े उलटफेर होते हैं, क्योंकि जिस तरह से कई कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हुए थे और उन्हें भी अब पद चाहिए, और कई भाजपा के पुराने से नेता लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रहे हैं, उन उन व्यक्तियों को भी आने वाले विधानसभा में कोई पद चाहिए, चुनावी टिकट चाहिए। तो आने वाले समय में चुनावी टिकट और चुनावी माहौल के लगे काफी असमंजस देखा जाएगा, काफी उठापटक देखी जाएगी, और देखना होगा भाजपा और कांग्रेस आमने सामने रहती है और किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर रहता है। जी जी हेमंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।